हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं गंभीर सर आप सभी का वाईफाई क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज की क्लासेस का जो अपनी टॉपिक है वो है एलजेब्रा, यानी कि बीजगणित। ये फर्स्ट क्लास है एलजेब्रा की। इसमें मैं आपको बेहद ही सिंपल तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी है, और इससे अच्छी आप एलजेब्रा कहीं भी नहीं पढ़ सकते हो। क्लियर? तो आपको आगे मैं क्लास में समझाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम होती है उन्हें सॉर्ट आउट, और जिससे कि वो आपको आगे जब मैं न्यूमेरिकल कराऊँगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखो, एक्स प्लस वाई, अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि इसकी वैल्यू आपको 9 दे रखी है, ठीक है, तो एक समीकरण है और दो वेरिएबल हैं, तो वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स की भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यानी कि एक्स की वैल्यू यदि 1 है तो y की वैल्यू हम 8 बोल सकते हैं। अगर x की वैल्यू 2 है, सॉरी ये 1 है तो ये हम 8 बोल सकते हैं। अगर हमें ये दिया गया है कि ये 2 है तो इसे हम 7 बोल सकते हैं। ये यदि 3 है तो इसकी भी वैल्यू 6 हो सकती है। तो इसका मतलब इसके मान जो होंगे वो बहुत अधिक है। इसका मतलब ये क्या, एक तरह से वेरिएबल है। तो एक समीकरण है और दो वेरिएबल हैं, और इस तरह से यदि आपको दे दिया जाए तो इसके मान बहुत होंगे। लेकिन यदि मैं कह दूं कि x माइनस वाई इक्वल टू 3, क्लियर सभी को, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। x और x कितना होता है, 2x, 9 और 3 12, तो x बराबर क्या होगा 6, और y बराबर क्या होगा 3। इसका मतलब अब ये जो वैल्यू है, दो समीकरण दी गई हैं और दोनों से आपने फाइनल वैल्यू निकाल ली। अब इसमें कोई x का मान 5 नहीं हो सकता, y का मान 4 नहीं हो सकता। जब आपको दो समीकरण दे रखी हो और दो वेरिएबल दे रखे हो तो उनकी वैल्यू आप फिक्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको मैं आगे कुछ ऐसी चीज बताऊंगा कि आपको जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, मिटाते हुए चलना है, क्लियर। और वो आपको आगे जो है वो इतना इंटरेस्ट टाइम इसमें स्पेंड होगा क्लास के अंदर, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि हम बहुत ही इजीली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और ये कोई भी चीज़ टफ नहीं है। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि कोई एक समीकरण है, ठीक है, तो एक समीकरण में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं हमें, 3, 1, 2, 3, तो आप किसी एक को 0 मान सकते हो, दूसरे को 0 मान सकते हो, लेकिन एक स्थिति में आपको 0 नहीं मानना है जबकि आपको कुछ इस तरह से वैल्यू पूछी गई हो, ठीक है। तो इस स्थिति में यदि आप जेड की वैल्यू 0 मान लेते हो तो ये अनंत हो जाएगा, तो इसमें आपको इस तरह से वैल्यू 0 नहीं पुटअप करनी है। तो जब अगर अनंत की कंडीशन बनती है, यानी कि वैल्यू इन्फिनिटिव आ सकती है, तो उस स्थिति में आप प्रेफर करोगे 1, क्लियर। तो अब जो मुझे इसमें बेसिक बताना था वो मैंने बता दिया। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन इसके कराऊंगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट मैंने आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनाए जिसमें कि हम इस तरह का जो कंसेप्ट है उसे लगाएंगे और क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे हमें दिया गया है यदि पी माइनस दो क्यू बराबर 8, पी माइनस दो क्यू बराबर 8 है, तब आपको पूछा गया है पी क्यू माइनस 3 पी क्यू स्क्वायर प्लस 3 पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू क्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो, क्वेश्चन आपको कितना बड़ा भी दिया गया हो, मैंने अभी आपको समझाया था कि एक समीकरण है, तीन वेरिएबल है, तो आप किसी दो को 0 मान सकते हो। एक समीकरण है, दो वेरिएबल है, तो किसी एक को आप क्या मान सकते हो, 0। जैसे कि मैंने इसको 0 माना, जब इसको 0 मानेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, 0, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, p बराबर 8 हो जाएगा। जब q हमने 0 माना है तो ये वाला मिट जाएगा, q 0, यहाँ भी q 0 और यहाँ भी q 0, तो pq बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, 8। 8 का क्यू कितना होता है, 512 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, 512 है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको आगे भी क्वेश्चन जो समझाऊंगा वो सभी इसी तरह से हम मिटाते मिटाते क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हमें दिया गया हो। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, यदि पी माइनस टू क्यू बराबर 4 है, पी क्यू माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू माइनस 24 पी क्यू माइनस 64, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। अभी क्या बताया था, एक समीकरण हमें दी गई है, ये दी गई है
और इसका मान पूछा गया है। तो एक समीकरण दे रखी है, उसमें आपको दो वेरिएबल हैं, और जब किसी समीकरण में दो वेरिएबल हैं तो किसी एक को हम क्या मान लेंगे, जीरो। इसको जीरो मानेंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या आ गई, p बराबर 4 आ गया। तो q हमने जीरो माना है, तो q जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये जीरो, ये वाला भी जीरो। क्या बचा अपने पास, पी क्यू माइनस 64। पी बराबर कितना है, 4। 4 का क्यू करेंगे तो 64 माइनस के 64, 64 माइनस 64 करेंगे, अपना आंसर कितना आ गया, जीरो। क्लियर सभी को? तो इस तरह से मैंने आपको दो क्वेश्चन करा दिए। थर्ड क्वेश्चन, सभी पेन और पेपर यूज़ करते रहिए, आपको अब क्वेश्चन मिलेंगे, आपकी समझ में अगर आने लग गया होगा तो आप बहुत ही फास्ट वे में आंसर बताने लग जाओगे। जैसे यदि a प्लस बी प्लस एक बराबर हमें दिया गया है जीरो, तब ये तो हमें दिया गया है, यदि a प्लस बी प्लस एक बराबर जीरो, और पूछा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस वन माइनस थ्री ए बी, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो एक समीकरण दी गई है, वेरिएबल कितने हैं, दो, a और b क्या है, वेरिएबल। एक क्या है, कांस्टेंट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब दो वेरिएबल हमें दिए गए हैं तो किसी एक वेरिएबल को क्या मान लेंगे, जीरो। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि कोई अनंत तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो बी को मैंने जीरो मान लिया, तो क्या बचा, ए प्लस वन बराबर जीरो, तो ए बराबर क्या बचा, माइनस का एक। जब बी को जीरो माना है तो ये कैंसिल, ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचा, ए क्यू प्लस वन, यही बचेगा। एक की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, तो माइनस वन का क्यू प्लस वन, माइनस वन का क्यू होता है माइनस वन प्लस वन, माइनस वन से प्लस वन कट गया, हमारे पास आंसर कितना आ गया, जीरो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जीरो। आपको अच्छी लग रही हो क्लास तो कमेंट जरूर करें, और इससे आप शेयर कर दें, जिससे कि और भी स्टूडेंट इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो अपना एलजेब्रा की मैं कम से कम 3 या 4 वीडियो 20 या 25 मिनट की पर वीडियो आपको अपलोड करूंगा। रेगुलर क्लास अब आपको आने लग जाएगी, मेरा फिजिकल मेडिकल जो भी होना था वो सब कुछ कंप्लीट है, तो अब इस तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि क्लास रेगुलर नहीं हो। तो यदि ए प्लस बी बराबर वन, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4th में, यदि ए प्लस बी इक्वल टू वन, तब पूछा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी बराबर के, तब के का मान क्या होगा, हमें पूछा क्या गया है, के का मान क्या होगा। ए प्लस बी बराबर वन दिया गया है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी बराबर क्या दिया गया है, के, और पूछा किसका मान गया है, के का। आपको के का मान बताना है। एक समीकरण कितने वेरिएबल, दो, किसी एक को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। जीरो करने से कोई अनंत तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है ना, वन अपॉन होता तब अनंत होने के चांस होते हैं। तो बी को जीरो किया तो ए बराबर कितना आया, वन, यहाँ से भी बी जीरो हो जाएगा, यहाँ से भी बी जीरो हो जाएगा, तो ए क्यू बराबर क्या बचा, के। ए की वैल्यू कितनी है, वन, वन का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन, तो के की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, वन आ गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि के की वैल्यू होगी एक। चलिए नेक्स्ट, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको करीब 14-15 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आप डेली इसी तरह से मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए, उसके अलावा केमिस्ट्री की वीडियो जो आपकी बाकी की बची हुई 8-9 क्लास हैं वो भी अब आपको आने लग जाएंगी रेगुलर। क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, फिर आपको दिया गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 11, और पूछा गया है बी सी बी प्लस सी प्लस सी ए सी प्लस ए प्लस ए बी ए प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1st में 33, 2nd में 66, 4th में 55 और डी 4th में दिया गया है 23। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये दो समीकरण आपको दे रखी हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 11, और ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका मान क्या आएगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। आपके पास कितनी समीकरण है, एक समीकरण ये रही, एक समीकरण ये रही, दो समीकरण है, और दो समीकरण है और वेरिएबल कितने, ए बी और सी,
तो पहले आप किसी एक को तो जीरो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई इन्फिनिटिव नहीं हो रहा है। तो इसको जीरो किया, सी जीरो कर दिया, क्या बचा ए प्लस बी। सी को जीरो करेंगे तो ये वाली टर्म्स भी जीरो, ये वाली टर्म्स भी जीरो, क्लियर। और सी को जीरो करेंगे तो ये वाली टर्म्स जीरो, ये वाली टर्म्स जीरो, क्या बचा अपने पास, ये बचा आपके पास। ऊपर क्या दिख रहा है, ए प्लस बी बराबर छ, तो ए प्लस बी बराबर छ, ए बी बराबर कितना बचा है 11, 11 का गुणा 6 से करेंगे तो अपना आंसर कितना आ गया 66। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 66। जिनको क्वेश्चन वगैरह उतारना है वो वीडियो को पॉज करके या बैक करके आप क्वेश्चन के लिए वीडियो को थोड़ा रोक लेना, वहाँ से आप क्वेश्चन उतार लेना, ठीक है। क्योंकि मुझे ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनानी, करीब 20-25 मिनट में हमें 14-15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, यदि a प्लस बी माइनस सी बराबर जीरो आपसे पूछा गया है, तब 2b² c² प्लस 2c² a² प्लस 2a² b² माइनस 1 की घात 4 माइनस b की घात 4 माइनस c की घात 4, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। एक समीकरण है, तीन वेरिएबल हैं, तो कम से कम एक को तो हम जीरो कर सकते हैं। मैंने सी को जीरो कर दिया तो ए प्लस बी बराबर क्या बचा, जीरो। तो ए प्लस बी बराबर जीरो है तो ए बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस के बी। सी को जीरो किया है तो ये वाली टर्म्स जीरो हो जाएगी, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ये वाली टर्म्स जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म्स जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्या बचा अपने पास क्वेश्चन, केवल छोटा सा बच गया, ए बराबर क्या निकाल दिया मैंने यहां से, इसका पक्षांतरण किया उधर की तरफ जाकर के, माइनस बी। तो देखो एक ही जगह पे माइनस बी लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b² और बी स्क्वायर यहां पे, तो कितना हो जाएगा, 2b की घात 4 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, माइनस बी, माइनस बी का अगर घात 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, b की घात 4 माइनस b की घात 4, b की घात 4 और b की घात 4 माइनस के और यहां पे किसके प्लस के, ये सब कट करके हमारा आंसर क्या बचेगा, जीरो, क्लियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है, तब आपको पूछा गया है a² + b² + c² बटे b² - ca, इसकी वैल्यू क्या होगी। a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, a² + b² + c² - ca बराबर पूछा गया है, इसका मान क्या आने वाला है। तो अभी बताया था एक इक्वेशन दे रखी है, तीन वेरिएबल है, तो किसी एक को जीरो मान लें, जीरो मानने से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इसमें से घटाएंगे, जीरो को किसी में से घटाएंगे तो कोई इन्फिनेटिव के चांस नहीं है, अनंत आने के चांस नहीं है। तो मैंने सी बराबर जीरो तो क्या आ जाएगा, बी का पक्षांतरण उधर की तरफ किया तो ए बराबर कितना आ गया, माइनस बी। सी टर्म्स हमने जीरो मानी है तो यहाँ से भी ख़त्म, और सी ये वाला टर्म्स है तो ये वाला भी ख़त्म, क्या बचा, a² + b² - b² ए बराबर कितना है, माइनस बी। तो a बराबर माइनस बी लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, b² + b² - b² बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हुआ, 2b² - b² बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, अपना आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 8। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तब हमें पूछा गया है a² + b² + c² - ab + bc + ca का मान क्या होगा। एक समीकरण है, तीन वेरिएबल हैं, किसी एक को जीरो कर दिया, a प्लस बी बराबर जीरो तो a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस बी। सी को जीरो किया है तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा अपने पास, a² + b² - ab। ए की वैल्यू कितनी आई, माइनस बी का स्क्वायर किया तो प्लस के बी स्क्वायर,
प्लस के बी स्क्वायर बटे ए की वैल्यू कितनी है माइनस बी और बी के स्थान पर बी, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो गया टू बी स्क्वायर, माइनस बी का गुणा प्लस बी से करेंगे तो माइनस के बी स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा दो बटे माइनस एक, अपना आंसर कितना हो जाएगा माइनस के दो। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं सभी एक इस वीडियो के अंदर एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ और उन क्वेश्चन की आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी अगली वीडियो के अंदर अगले टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, ये आपको दिया गया, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो पूछा गया है, ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसका मान हमें पूछा गया। देखिए एक समीकरण तीन वेरिएबल, किसी एक को मैंने क्या मान लिया जीरो, तो a बराबर कितना आ जाएगा माइनस के b आ जाएगा, a बराबर माइनस के b है, c हमने क्या माना है जीरो, तो c जीरो मानेंगे, ये टर्म्स खत्म, ये वाली टर्म्स खत्म, और ये इसमें जीरो में किसी का भी भाग देंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म्स खत्म। ठीक है, क्या बचा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा वन बार, बी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा वन टाइम्स, तो वन प्लस वन कितना हो गया टू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दो है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो और आपको दिया गया क्वेश्चन ए स्क्वायर बटे दो ए स्क्वायर प्लस बी सी बी स्क्वायर बटे दो बी स्क्वायर प्लस सी ए सी स्क्वायर बटे दो सी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है वही सेम, c की वैल्यू क्या मान लेंगे जीरो, तो a बराबर कितना आ जाएगा माइनस के b आ जाएगा। अब c जीरो माना तो ये टर्म्स खत्म, ये वाली टर्म्स खत्म, और जीरो यहाँ पे मानेंगे तो ये वाली टर्म्स तो बिल्कुल ही खत्म, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे एक बटे दो, यहाँ भी क्या बचा एक बटे दो, एक बटे दो और एक बटे दो को जोड़ेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा प्लस वन। ठीक है, चलिए और भी कुछ क्वेश्चन है इसके, वो भी मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ जिससे कि और पाँच छः क्वेश्चन से आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर दो जेड, ठीक है आपको पूछा गया है x बटे x माइनस जेड प्लस वाई बटे वाई माइनस जेड, इसका मान क्या आएगा। क्लियर, एक समीकरण है तीन वेरिएबल हैं, तो किसी एक को जीरो मान लें, तो मैंने जेड को जीरो मान लिया, तो ये जेड जीरो मान लिया, ठीक है जेड जीरो मान लिया तो यहाँ से भी खत्म, यहाँ से भी खत्म। क्लियर, एक्स से एक्स कट गया एक बार, बाई से बाई कट गया एक बार, एक प्लस एक अपना आंसर कितना आ गया दो आ गया। क्लियर, अपना राइट आंसर क्या है टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, यदि x प्लस वाई बराबर 5c, आपको क्वेश्चन दिया गया है x बटे x माइनस सी प्लस वाई बटे वाई माइनस सी प्लस सी बटे x बराबर क्या आएगा। क्लियर, देखो c है यहाँ पे, एक समीकरण तीन वेरिएबल, इसको मैंने जीरो मान लिया, जीरो मान लिया, ठीक है तो सी यहाँ से भी खत्म, यहाँ से भी खत्म, जीरो में भाग देंगे तो ये वाला भी खत्म, वही सेम आ गया, एक्स से एक्स कट गया एक बार और बाई से बाई कट गया एक बार, अपना आंसर कितना आ गया दो आ गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर चार, एक तो हमें ये दिया गया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर चार, आगे दिया गया है एक बटे ए प्लस एक बटे बी प्लस एक बटे सी
बराबर के 3। और हमें पूछा गया है a बटे b प्लस b बटे a प्लस c बटे a प्लस a बटे c प्लस b बटे c प्लस c बटे b, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर? देखो एक समीकरण ये रही, एक समीकरण ये रही, तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अब की बार आप सी बराबर जीरो नहीं मान सकते कि ये एक समीकरण है, तीन वेरिएबल है, सी जीरो मान लिया। अगर आप सी जीरो मानोगे तो यहाँ पे जीरो का भाग देंगे तो अनंत हो जाएगा, इसका मतलब हमें इन्फिनेटिव नहीं लाना है। तो हम क्या करते हैं, इस सी की जगह पर क्या करेंगे, सी की जगह पर वन मान लेंगे। मैंने बताया था जब अनंत आ रहा है तो आप जीरो नहीं मानोगे तो क्या आप मान सकते हो फिर उस स्थिति में वन। तो सी की जगह पर हमने मान लिया वन, सी की जगह पर वन मानेंगे यानी कि ऐसे मानेंगे तो ये वन उधर की तरफ जा करके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया हमारे पास, तीन आ गया। सी की जगह पर यदि आप वन मानोगे तो ये वन उधर की तरफ जा करके माइनस का, तो फिर ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीन माइनस एक करके दो हो जाएगा। ठीक है, आपने ये वाली वैल्यू निकाल दी, ये वाली सी की वैल्यू आपने क्या मानी है, वन, एक मानी है, तो ये क्या हो जाएगा एक, ये क्या हो जाएगा एक, ये क्या हो जाएगा एक, ये क्या हो जाएगा एक। यहाँ पे एक का कोई मतलब है क्या, ए बटे एक का मतलब ए, बी बटे एक का मतलब बी। क्लियर सभी को, क्या बचा अपने पास, ए बटे बी, यहाँ पे क्या बचा, बी बटे ए, यहाँ पे एक बटे, यहाँ पे ए या बी या एक बटे बी। देखिए आपको ए प्लस बी की वैल्यू पता है ना कितनी है, तीन। इस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तीन। एक बटे ए प्लस एक बटे बी की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, एक बटे ए प्लस एक बटे बी की इसकी वैल्यू है दो, तीन प्लस दो। अब आपके पास क्या टेंशन रह गई कि इन दोनों की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू है आपके पास यहाँ से तीन, और एक बटे ए प्लस एक बटे बी की वैल्यू है आपके पास दो। इन दोनों समीकरण का क्या कर देंगे, गुणा, यानी कि ए प्लस बी का गुणा कर देंगे एक बटे ए प्लस एक बटे बी के साथ। इधर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो तीन दोनी छः, ए का गुणा एक बटे ए से किया तो क्या बचा, एक, ए का गुणा इसके साथ किया तो ए बटे बी, बी का गुणा इसके साथ करेंगे तो बी बटे ए, और बी का गुणा इसके साथ करेंगे तो एक। ये वाली वैल्यू बराबर के छः, एक और एक कितना होता है दो, इस दो को उधर की तरफ भेजेंगे तो ए बटे बी प्लस बी बटे ए, ये एक और एक दो उधर की तरफ जा करके कितना हो गया, माइनस का, छः में से दो गए तो चार। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इस वाले की वैल्यू चार आ गई। इन सबको जोड़ देंगे, चार और तीन सात, सात और दो नौ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, नौ। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो वीडियो बैक से देख करके दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ठीक है, इसमें सी की वैल्यू हमने जीरो नहीं मानी है, हमने मानी अब की बार एक, क्योंकि हमें अनंत नहीं लाना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि x प्लस वाई बराबर हमें दिया गया है 1 प्लस एक्स वाई के, और पूछा गया है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस एक्स क्यू वाई क्यू की वैल्यू क्या होगी। x प्लस वाई बराबर 1 प्लस एक्स वाई, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस एक्स क्यू वाई क्यू की वैल्यू क्या होगी। देखो एक समीकरण में दो वेरिएबल है, किसी एक को हम जीरो मान सकते हैं, मैंने वाई को जीरो मान लिया, वाई जीरो, यहाँ वाई जीरो रखेंगे तो ये वाली पूरी टर्म्स जीरो, x बराबर कितना आ गया 1, वाई को जीरो मानेंगे ये खत्म, ये वाला खत्म, x बराबर 1 तो x के q की वैल्यू भी क्या आएगी 1। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना छोटा सा है कि नहीं। चलिए दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो और करा देता हूँ, फिर आप अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना जिनमें ये वाला नियम लग रहा है, उनको आप दो या तीन पाँच दस सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और हमें क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमें दिया गया है, और क्वेश्चन जो है अपना वो ये है, एस स्क्वायर प्लस एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर? देखो एक समीकरण है, एक दो तीन और चार वेरिएबल हैं, मैंने इसी को जीरो मान लिया, 2s बराबर क्या मान लिया, जीरो, a प्लस बी प्लस सी बचा, 2s, s की वैल्यू जीरो मानी है मैंने, क्या माना है, s की वैल्यू जीरो, s जीरो, तो यहाँ से ख़त्म, यहाँ से ख़त्म, यहाँ से ख़त्म और यहाँ से ख़त्म, ठीक है। तो क्या बचा, माइनस ए का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस के बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा सी स्क्वायर, नीचे क्या बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कट जाएंगे दोनों, और कटने के बाद अपने पास आंसर कितना हो जाएगा, वन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, वन है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि और भी स्टूडेंट इस तरह से आसानी से घर बैठे पढ़ लेंगे। m बटे n प्लस n बटे l प्लस l बटे m बराबर आपको दिया गया है जीरो, यदि, यानी कि ये तो आपको दिया गया है, और पूछा है l n बटे m स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बटे एल एन माइनस एन क्यू बटे एल क्यू, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसमें आप जीरो तो पुटअप नहीं कर सकते, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, एक दो तीन, एम एन और एल, जब जीरो रखोगे तो अनंत हो जाएगा और अनंत हमें नहीं करना है, तो फिर हम क्या पुटअप कर सकते हैं, वन। मैंने एन के स्थान पर क्या पुटअप कर दिया, वन, तो n के स्थान पर 1 पुट अप करेंगे, यानी एक रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रख देंगे, ठीक है। अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर मैंने एक वेरिएबल और ले लिया 1, l का भी मान क्या ले लिया, 1, l का भी मान क्या ले लिया, 1, तो अपने पास क्या बचा, m प्लस 1 बटे m, और इस 1 को 1 बटे 1 का मतलब 1, 1 को उधर की तरफ भेजेंगे तो कितना आ गया, माइनस के 1। तो मैंने कौन कौन से वेरिएबल एक लिए हैं, एन और एल, एन का मान एक है, एल का मान एक है, तो ये कितना हो गया, एक, एन का मान एक है, एल का मान एक है, तो ये भी कितना हो गया, एक, एन का मान और एल का मान एक है, तो ये भी कितना हो गया, एक। अब अपना क्या बन गया ये क्वेश्चन, एम स्क्वायर प्लस एक बटे एम स्क्वायर माइनस एक, शॉर्ट में यही बन गया, एम स्क्वायर प्लस एक बटे एम स्क्वायर माइनस एक का मान क्या होगा। देखो जब m प्लस एक बटे एम का मान माइनस वन है, तो एम स्क्वायर प्लस एक बटे एम स्क्वायर का मान क्या होगा, इसको हम निकाल सकते हैं, इसका वर्क कर दें दोनों तरफ, इसका भी वर्क कर देते हैं दोनों तरफ, तो इसका वर्ग होगा एम स्क्वायर प्लस एक बटे एम स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, एम इंटू वन अपॉन एम बराबर माइनस एक का स्क्वायर होता है प्लस एक, कैंसिल, तो एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, ये मान आ जाएगा आपको, यहाँ दो है उधर की तरफ जा करके ये किसका हो जाएगा, माइनस का, एक माइनस दो करेंगे तो कितना आ गया इसका मान, माइनस एक, एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन एम स्क्वायर का मान कितना है, माइनस एक, इसकी जगह पर हमने रखा माइनस एक, और माइनस एक पहले से है, अपना आंसर कितना हो गया, माइनस के दो। क्लियर? तो इस तरह से मैंने आपको आज की क्लास में 16 क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 मिनट की क्लास होगी, इस क्लास में मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे ढंग से जितनी मेरे इसको कोशिश हो सकती है बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर इसी तरह से आपको एलजेब्रा का पार्ट सेकेंड चाहिए, जिसमें आप सिंपल तरीके से और भी अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे, तो वीडियो पूरी कंप्लीट देखो, कमेंट करके बताओ, और लाइक और शेयर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करो, खुश रहो, और इसी तरह से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। केमिस्ट्री की वीडियो भी आपको कंटिन्यू अब आने लग जाएंगी, केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद फिजिक्स की क्लास आएंगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।